बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा पीबीएम अस्पताल जो कि तमाम सुविधाओं से युक्त है, आपको बता दें कि इस समय वो अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। अव्यवस्थाओं के चलते बदहाली के कगार पर यह अस्पताल है। उन्हीं सबका लगातार निरीक्षण करते हुए बीकानेर के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने यह निर्णय लिया है कि अस्पताल में लेट लतीफी के साथ आने वाले डॉक्टर्स पर एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं अस्पताल में कम समय देकर अपने घरों में जो डॉक्टर मरीजों को देखते हैं उन पर भी अंकुश लगाया जाएगा। आपको बता दें अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है जो कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। वहीं साथ ही पीबीएम अस्पताल के निरीक्षण को लेकर हमारे संवाददाता के सिंह ने नीरज के पवन से की खास बातचीत। बड़ा अस्पताल पीबीएम अस्पताल जो कि बदहाली की कगार पर है और उसमें जरूरत है कुछ नवाचार करने की। वो नवाचार को ही बीकानेर के एक डिविजनल कमिश्नर हैं नीरज के पवन जो कि बराबर विजिट करते रहते हैं और उन्हीं के चलते कहीं ना कहीं पीबीएम स्थिति का सुधार भी हुआ है। अब नवाचार जो होने जा रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सर देखिए, आज हमने जो बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है पीबीएम उसका निरीक्षण दोबारा किया था। लगभग एक दो घंटे वहाँ पर हमने विजिट किया और उसमें जो जो राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जो कमियाँ खामियाँ पाई उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं हम। साफ सफाई के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं, बेड्स पर रोज नई चादर बिछाई जाए उसके लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स एंड अटेंडेंट्स ये सभी टाइम पर पहुँचे उसके लिए डायरेक्शन दिए गए हैं और हम इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। पिछले करीब 5-7 दिन से क्योंकि हम रेगुलर जा रहे हैं और इसलिए कोशिश ये इस बात की चल रही है कि सभी डॉक्टर्स जो निर्धारित समय है उससे पहले पहुंच जाए। उसी के साथ साथ जो ट्रॉलीज हैं उनमें जो स्थिति खराब है उनको ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। उनमें अगर वो खराब हो गई है तो उनको ठीक कराएं, उनमें अगर पेंट की आवश्यकता तो पेंट कराएं ताकि कहीं पर भी अव्यवस्था या किसी प्रकार की कोई बद इंतजामी सामने ना आए। उसके अलावा जो अलग अलग रंगों का इंद्रधनुषी एक तरह से बेडशीट के ऊपर, क्योंकि अब तक पीबीएम अस्पताल की बेडशीट है बेहद गंदी रहती है, क्या किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेडशीट होने के बावजूद भी बेड्स पर गंदी बेडशीट्स का होना बहुत अनएक्सेप्टेबल चीज है। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हर बेड पर नई बेडशीट बिछाई जाए, रोज नई बिछाई जाए, चाहे उस पर कोई पेशेंट सोया हो चाहे नहीं सोया हो, लेकिन बेडशीट नई बिछाई जाए। उसके लिए कलर कोडिंग की व्यवस्था का हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जब तक नई बेडशीट नहीं आ जाती तब तक के लिए एग्जिस्टिंग बेडशीट्स में ही कलर कोड्स हम 6x6 का एक कलर कोड हम लगा देंगे ताकि रोज नई बेडशीट बिछाई जाए। और धीरे धीरे चूंकि यहाँ पर 3000 के आसपास बेड्स हैं तो लगभग 20,000 बेडशीट चाहिए होंगी 7 दिन के हिसाब से, तो उसकी व्यवस्था भी आने वाले समय में की जा रही है। जो इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं जो उनको 7 सप्ताह के 7 दिन के अनुसार बांट के लाइट शेड की उन बेडशीट्स को बिछाया जाएगा ताकि कोशिश करें कि जो भी आम जनता अस्पताल में आए उनको ये लगे कि अस्पताल न केवल चिकित्सकीय मानदंडों में खरा उतरता है बल्कि साफ सफाई और जनरल अपकीप में भी काफी खरा उतरे। कब से मानेंगे? हमने इसको अगले 2-4 दिन में ही इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसको देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक तरह से नवाचार माना जा सकता है। इंद्रधनुषी रंगों से अटा रहेगा खासतौर पर पीबीएम अस्पताल की बेड और तमाम तरह की व्यवस्थाओं में सुधार की एक और कवायद नीरज के पवन के द्वारा जो कि बीकानेर के डिविजनल कमिश्नर है। के सिंह, A1 TV, बीकानेर।